हेलो एवरीबॉडी कैसे हो सब लोग आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड क्योंकि आज हम एनाटमी ऑफ लारिंग प्लांट्स देखेंगे ठीक है तो तैयार हो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी के एक एक लाइन से हर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने के लिए और अपनी तैयारी को फाइनल करने के लिए तो एकदम एनर्जी के साथ फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं हमें पता चल जाएगा हमारी कितनी तैयारी है कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें हमें थोड़ी रिवीजन की जरूरत है और कौन सा पोर्शन है जो हमारा बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है एपिकल मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर मिलता है आपको देखो शूट एपिकल मेरिस्टम भी होता है रूट एपिकल मेरिस्टम भी होता है तो ये रूट टिप पे होगा होगा ये प्राइमरी टिश्यू बनाएगा बेटा ये प्राइमरी बॉडी बनाएगा प्राइमरी तरीके के प्राइमरीट तो भी कौन रीजेनेट करता है इंटर कैलरी मेरिस्टम कौन रीजेनेट करता है इंटर कैलरी मेरिस्टम करता है एपिकल मेरिस्टम नहीं करता तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है आंसर डी हो जाएगा बोथ ए एंड करेक्ट है आंसर डी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड

ये ग्रासेस में आपको देखने को मिलेगा मिलेगा रीजेरेट करता है ग्रासेस में मिलेगा मेच्योर टिश्यू के बीच में मिलेगा बिल्कुल ये लाइन भी एनसीईआरटी में है मेच्योर टिश्यू के बीच में अकर्स बिटवीन टिश्यू वैसे मेच्योर टिश्यू के अंदर सेकेंडरी मेडिस्टम देखने को मिलता है बट मै, बिटवीन मेच्योर टिश्यू इंटर कैलरी मिलता है तो आंसर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी आंसर सी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर प्राइमरी मेडिस्टम प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट की लाइफ में बाद में आएगा या पहले आएगा बेटा बाद में नहीं आएगा पहले आएगा बाद में तो सेकेंडरी मेरिस्टेम आएगा क्या ये प्लांट पार्ट को रिजेनरेट करने का काम, हाँ, intercalary, intercalary का काम करता है जी हां क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम दो तरीके के होते हैं एपिकल और इंटर कैलरी इंटर कैलरी रिजनरेशन का काम करता है सीधी सीधी सी बात है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा डी सिंपल है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर फाइव प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी बॉडी प्राइमरी टिश्यू किसने बनाया है बेटा मेरिस्टेम ने एपिकल मेरिस्टेम ने बनाया है इंटर कैलरी मेरिस्टेम ने बनाया है ये आपके पास जो वेस्कुलर केम्बियम आ रहा है ये लेट्रल मेरिस्टेम है बेटा है ना जो सेकेंडरी बॉडी बना रहा है सेकेंडरी प्लांट बॉडी बना रहा है प्राइमरी नहीं बना रहा प्राइमरी प्राइमरी मेरिस्टम बनाएगा तो मैं मेरिस्टम को यहाँ करेक्ट बोल सकती हूँ बट वेस्क्यूलर कैमियम आपको पता है लेटरल का पार्ट होता है जो सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाता है तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा आंसर ए होगा तो यहाँ पर हम आंसर क्या करेंगे ए करेंगे बेटा वैसे आप जानते हो लेटरल मेरिस्टम भी हो सकता था पर कुछ नहीं लिखा हुआ सिर्फ मेरिस्टम लिखा हुआ ना तो मेरिस्टम में आप शूट एपिकल मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम की बात करें जो प्राइमरी बॉडी बनाएगा आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर क्या हो जाएगा ए आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स किसकी बात करें अब हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है नहीं सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये प्लांट की लाइफ में जल्दी आता है नहीं लेट आता है सेकेंडरी ग्रोथ करता है ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिल्कुल ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है और सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है आंसर क्या होगा सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन सेकेंडरी मेरिस्टेम इंक्लूड सेकेंडरी मेरिस्टेम में फेसिकुलर वैस्क्यूलर कैम्बियम आएगा जो इंट्रा वेस्क्युलर कैम्बियम होता है जी हाँ कॉर्टेक्स में प्रेजेंट कोर्क केम्बियम आएगा बिल्कुल कोर्क केम्बियम आएगा जिसको आप फेलो भी बोलते हो जिसको आप फेलो भी बोलते हो क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम में सेकेंडरी फ्लोएम आएगा बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी फ्लोएम बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम खुद सेकेंडरी फ्लोएम नहीं है है ना तो ये गलत हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा डी बोथ एंड बी आंसर क्या हो जाएगा डी बोथ एंड बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर एट मेरिस्टेम अकर इन मेच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ प्लांट्स अब इन बिटवीन मेच्योर टिश्यू नहीं बोला जो रूट और शूट के मेच्योर रीजन में होता है मेच्योर रीजन में जो मेरिस्टेम होता है बेटा वो आपका सेकेंडरी मेरी होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम को और किस नाम से जानते हैं लेटरल लेटरलम के नाम से जानते हैं एपिकल और इंटर कैलरी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं और ये मेच्योर रीजन में मिल रहे तो मेच्योर रीजन में आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम मिलता है सेकेंडरी मेरिस्टेम को आप लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हो आंसर

लेयर किसकी है ये प्रोटोडर्म की है ये प्रोटोडर्म की, की है अगर ये आपके पास कॉटेक्स है तो ये टिप आपके पास क्या है ये इस कॉटेक्स के इनिशियल्स है इस कॉटेक्स कोर किस नाम से जानते हैं बेटा कॉटेक्स को सेंट्रल सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं कॉटेक्स को सेंट्रल सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं तो ये सेल्स क्या है ये इनिशियल्स हैं कॉटेक्स के ये इनिशियल्स हैं कॉटेक्स के या सेंट्रल सिलेंडर के ये जो सेल्स हैं जो इन्होंने मार्क नहीं कर रखे ये हमें पता है रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं तो जरा इसकी मार्किंग देख लो, वन आपके पास क्या है है वन आपके पास कॉटेक्स है या सेंट्रल सिलेंडर है तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा टू आपके पास प्रोटोडर्म है तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा थ्री आपके पास इनिशियल्स हैं इनिशियल्स हैं कॉटेक्स के तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए ठीक है ये डायरेक्टली लेबलिंग वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया वैसे नीट में जो एक्सपेक्टेड है बेटा ये रूट एपिकल मेरिस्टम पूछना एक्सपेक्टेड है कि रूट के आपके पास यहां पर जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉसिबल है कौन सा मेरिस्टम है रूट एपिकल मेरिस्टम उसको याद रखना आगे देख लो जरा क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर टेंथ हमें अभी सेम डायग्राम लीफ के लिए स्टेम के लिए आपको दिखाया हुआ है तो स्टेम के लिए आपको पता है यहाँ पर जो है है वो शू टेपिकल मेरिस्टेम आपको देखने को मिलता जिसको मैं एस सी एम लिख सकती हूँ श्यूटेपिकल मेरिस्टम श्यूटेपिकल मेरिस्टम से लीव का प्राइमोडिया बनता है ये इससे पूरी की पूरी लीव जनरेट होगी है ना ये एक है ये दूसरी है बेटा इनसे लीव बनेगी तो ये लीव का प्राइमोडिया है ये लीफ का प्राइमोडिया है अब एक तरफ तो लीफ की ग्रोथ होती है

तो सिंपल टिश्यू है बेटा चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो ये परमानेंट टिश्यू होते हैं मेरिस्टमैटिक तो नहीं दो ऑप्शन आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो अब ये मेरिस्टमैटिक है नहीं ये परमानेंट है परमानेंट टिश्यू सिंपल वो होते हैं जिनमें सारे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होते हैं या डिफरेंट टाइप के होते हैं अगर सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं उन्हें आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हो और अगर सेल्स सिमिलर होते हैं तो उन्हें आप सिंपल टिश्यू बोलते हो तो सिंपल टिश्यू में आपको वो परमानेंट टिश्यू मिलेगा जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर है ठीक है जी आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर थर्टीन अब बात हो रही है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेरिस्टमैटिक तो है नहीं तो मेरिस्टमैटिक वाले दोनों ऑप्शन कट कर दो है तो ये परमानेंट अब परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर सारे सेल्स सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में नहीं तो वो सिंपल होता ये वो परमानेंट टिश्यू है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आप जायम और फ्लोयम के बारे में पढ़ते हो आंसर क्या होगा डी आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन फोर्टीन हमें फिर से सिंपल टिश्यू की बात हो रही है सिंपल टिश्यू में कुछ सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन सिमिलर होता है सारे सेल्स एक ही टाइप के होते हैं आपने अभी देखा सिंपल टिश्यू स्ट्रक्चरली फंक्शनली एकदम सेम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तो मिलते ही नहीं इनको कट कर दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स नहीं मिलते बेटा सारे एक ही तरीके के सेल होते हैं एकदम सिमिलर आंसर बी होगा एकदम सिमिलर आंसर बी होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स इज ज्यादातर प्लांट के organ में जो मेजर कंपोनेंट आपको मिलेगा वो पैरेंकाइमा है ये यूनिवर्सल है ऑलमोस्ट हर लेयर uh, के अंदर आपको देखने को मिल जाता है हर ऑर्गन में आपको देखने को मिल जाता है तो मेजरली जो कॉम्पोनेट प्लांट के हर एक ऑर्गन में बेटा वो पेरन कायमा होता है वो पेरेंट का आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पेरेंकाइमा की वॉल्स थिन होती हैं एकदम थिन होती हैं सेल्यूलोर्स की बनी होती है लिविंग है थिन थिन सेल वॉल इसके पास प्रेजेंट है पेरेंटमा लिविंग सेल्स है, है आपके पास ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन

नो लुलर स्पेस या स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस अच्छा दोनों ही पेल एन का बारे में हम दोनों ही चीजें पढ़ रहे हैं कि या तो स्पेस नहीं है पहली बात तो नहीं है और अगर है तो बहुत कम है बहुत मिनिमम है है ठीक तो नो इंटरसेल्युलर स्पेस भी हो सकता है स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस भी हो सकता है आंसर डी आ जाएगा आंसर डी आ जाएगा आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कॉलिन इन कायमा आपको कहां देखने को मिलता है एक चीज याद रखनी है हमें कि कॉलिन कायमा इमा मोनोकोट्स में कभी भी नहीं होता और कॉलेन कायमा रूट्स में भी नहीं होता कॉलेन कायमा मोनोकोट्स में नहीं होता कॉलेन कायमा रूट्स में नहीं होता तो मोनोकोट्स वाले दोनों ऑप्शन कट कर देंगे ये डाइकोट्स में है डाइकोट्स में ये एपिडर्मिस के नीचे होता है या एंडोडर्मिस के नीचे होता है बेटा ये आपके कॉर्टेक्स का हिस्सा बनाता है ये एपिडर्मिस किसके नीचे प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है आंसर सी हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेल्स कॉर्नर पे थिक होते हैं किसका डिपोजिशन होता है सेल्यूलोस का हेमीसेल्यूलोस का पेक्टिन का तीनों का डिपोजिशन होता है तीनों का डिपोजिशन होता है सेल्यूलोस की wall, में है डिपोजिशन एंगुलर एंगुलस हेमीसेल्यूलोस पेक्टिन का में है आगे देखो फिर से किसकी बात हो रही है कॉलन कायमा की बात हो रही है, की हो रही है। तो कॉलिन कायमा के सेल्स पॉलीगोनल हो सकते हैं और उनमें कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता गलत बात सी से कॉलन कायमा सी से क्लोरोप्लास्ट याद करने की टेक्निक है

की सेल्स में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता पेरिन कायमा में मेजरली नहीं होता होगा तो छोटा होगा ठीक है कॉलन कामा में तो है ही नहीं कोई इंटरसेल्युलर स्पेस इनके अंदर नहीं होता आंसर ये है इनके अंदर सीधी सी बात है कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मकैनिकल सपोर्ट कौन देता है प्लांट को तो मकैनिकल सपोर्ट कॉलिन कायमा भी देता है स्लेरिन भी देता है पेरिन तो लिविंग टिश्यू है मेजर ग्राउंड टिश्यू बना लेता है पेरिन कामा मकैनिकल सपोर्ट देने का काम कॉलिन कायमा और स्लेरिन कामा दोनों का है आंसर डी हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा आगे देखो आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है सारे कॉलन कामेटिस सेल्स फूड एसिमुलेट करते हैं बेटा फूड को लेकर कॉलन कायमा में एनसीआरटी में क्या लिखा हुआ है कि कॉलन कायमा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और जिस जिस कॉलन कायमा के पास क्लोरोप्लास्ट है वो फूड एसिमुलेट कर पाएगा सीधी सी बात है तो क्या सारे एसीमुलेट कर पाएंगे नहीं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो कोई भी नहीं एसिमुलेट कर पाएगा ऐसा नहीं है कुछ कॉलन कामेटिस सेल्स एसिमुलेट नहीं कर पाएंगे ये सही बात है जिनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है वो नहीं कर पाएंगे सारे नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है आंसर सी हो जाएगा आंसर आपके पास यहाँ पे सी हो जाएगा ठीक है आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का मैकेनिकल सपोर्ट किसको देता है यंग स्टेम को देता है देता है पिटियोल ऑफ लीफ ऑर्गन्स नहीं अच्छा पिटियोल ऑफ लीफ तो हमें पता है लिखा हुआ है में यंग स्टेम भी लिखा हुआ है पिटियल ऑफ लीफ भी लिखा हुआ है ओनली नहीं होना चाहिए ओनली इन करेक्ट हो जाएगा सिर्फ ओनली वर्ड आप नहीं बोल सकते नहीं है ना ये ओनली वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है petiole ऑफ लीफ ऑर्गन ओनली एंड ऑर्गन ओनली यंग स्टेम है एंड petiole ऑफ लीफ है ठीक है सी वैसे भी नहीं है तो आंसर ए ज्यादा करेक्ट हो जाएगा आंसर ए ज्यादा करेक्ट आपके पास हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अलग अलग तरीके के सेल्स दिए हुए हैं सिंपल टिश्यू में यहां पर देखो एकदम एंगुलर थिकनिंग है और जीरो इंटरसेल्युलर स्पेस ये आपका कॉलन कायमा है ये आपका कॉलन कायमा है यहां देखो ये यह टेपरिंग एंड लॉन्ग सेल्स है ना ऑब्लिट्रेटेड ल्यूमन ये आपके पास स्लेरन कायमा के फाइबर्स है ये आपके पास स्लेरन कायमा के फाइबर्स है लिटिल और नोट इंटरसेल्युलर स्पेस थिन वर्ल्ड ग्रीन कलर के ये पेरेन कायमा है ये पेरन कायमा है और ये आपके पास का सेल है ये आपके पास स्लेरिड का सेल है ठीक है तो वन आपके पास ऑप्शन में नहीं है इस ऑप्शन में नहीं है टू आपके पास फाइबर्स है और थ्री आपके पास स्लेरिड्स हैं तो आंसर क्या होगा डी आंसर क्या होगा बेटा इसके अंदर डी होगा आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्लकाइमा सेल्स डेड होते हैं लिविंग होते हैं लिविंग तो नहीं है डेड है इन दोनों ऑप्शन को हटा दो डेड है और इसलिए प्रोटोप्लास्ट नहीं है अब डेड हो चुके हैं ना तो उसके अंदर ल्यूमन गया सेंटर में प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो आंसर क्या होगा बी आंसर क्या होगा बी डेड है और प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर नहीं है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अच्छा स्लेरिड्स आपको लीव्स ऑफ टी में मिलते हैं जी हाँ कुछ फ्रूट्स के पल्प में लीव्स ऑफ टी में स्लेरिड्स मिलते हैं फाइबर्स जो होते हैं फाइबर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पार्ट में सिंगल होते हैं नहीं बेटा फाइबर्स जहां मिलते हैं ग्रुप में मिलते हैं लिखा हुआ का स्टेटमेंट है फाइबर्स जहां मिलते मिलते हैं हैं ग्रुप में मिलते हैं। का, का काम है यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना तो यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है कॉलेन कायमा ठीक है ऑर्गन्स को और प्लांट को इन जनरल मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्लेरिन कामा यंग स्टेम को कौन देता है कॉलेन कायमा फिर भी हम इस ऑप्शन को देखते हैं इमा की सेल्स में थिक वॉल होती है कभी भी नहीं थिन वॉल होती है कॉलिन कायमा के जो कॉर्नर्स है उनमें थिकनिंग होती है जी हाँ उनमें थिकनिंग होती है ठीक है ये गलत है बेटा आप यंग स्टेम्स नहीं मानोगे यंग स्टेम्स के अंदर तो कौन मैकेनिकल सपोर्ट देता है कॉलिन कायमा कौन मैकेनिकल सपोर्ट देता है कॉलिन कायमा तो मुझे बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये आपके पास करेक्ट है और ये भी आपके पास करेक्ट है दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर ए हो जाएगा दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर ए हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन पल्प ऑफ पेयर कुछ फ्रूट जैसे पेयर डेकोटा उनके पल्प में स्लैरिन का मिलता है और कौन से सेल्स मिलते हैं स्क्लेरिड्स फाइबर्स नहीं होते स्क्लेरिड्स होते हैं वह हमने पढ़ा है स्क्लेरिड्स होते हैं आंसर क्या हो जाएगा ए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कह रहे क्वेश्चन हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू अब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर आ चुके हो जाइलम फ्लोएम जिसके बारे में हमने पढ़ा था ये अलग अलग तरीके के सेल्स के बने होते हैं तो वन टाइप ऑफ सेल वन टाइप ऑफ सेल वाले ऑप्शन सीधा सीधा कट कर दे मेनी टाइप ऑफ सेल्स लेकिन दे वर्क टुगेदर एज वन यूनिट है ना तो आंसर क्या होगा बी मेनी टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज वन यूनिट आंसर क्या होगा बी आगे देखो थर्टी वन फिर से किसकी बात हो रही है जाइलम की जाइलम में सब कुछ है एक्सेप्ट यानी आपको इनकरेक्ट बताना है यानी आपको इनकरेक्ट बताना है कि क्या करेक्ट नहीं है अच्छा, जो है पानी को रूट से अपर प्लांट पार्ट तक लेके जाएगा लेके जाएगा। जो है को लीव से रूट वाली डायरेक्शन में लेके जाता है कभी नहीं जाइलम का फ्लो यूनिड होता है प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स बाई डायरेक्शनल नहीं है रूट से लीव जाएगा लीव से रूट नहीं आएगा यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा देखा Sap conduct करेगा root से लीफ बिल्कुल करेगा पर बेटा ये है ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये statement गलत हो हो जाएगा आगे देखो 32. फिर से की बात हो रही है में क्या क्या है कंपेनियन सेल्स नहीं होते होतेम में है सीव ट्यूब फ्लोयम में है आंसर होगा डी चार कॉम्पोनेट होते हैं जाइलम के वेसल्स ट्रैकेट्स, ज़ाइलम फाइबर पेरन का जिसमें से तीनों डेड है सिर्फ पेरें लिविंग है सिर्फ पेरेंगैमा लिविंग है ठीक है आंसर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री जिम्नोसप ज़ाइलम की अगर मैं बात करूं तो इनके पास वेसल नहीं होता फ्लोयम की अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म के पास, पास कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते सीव ट्यूब भी नहीं होते इनके पास सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते तो ये सारी ही चीजें इनके पास नहीं है आंसर डी हो जाएगा ये सारी चीजें इनके पास नहीं है आंसर डी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर जिम्नोसपर्म के फ्लोयम के पास क्या है सीव ट्यूब नहीं है कंपेनियन सेल्स नहीं है तो क्या है सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स है सीव ट्यूब नहीं है कंपेनियन सेल्स नहीं है सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल है आंसर ए हो जाएगा

अगर वो खुद है तो रेपेरेंटिस कंडक्शन में, तो में तो मदद नहीं करेंगे रेडियल कंडक्शन में मदद करते हैं और वॉटर की है ना तो सेल्स जो साइलम के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो वॉटर की रेडियल कंडक्शन में मदद करते हैं आंसर क्या होगा डी दे। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन फूड मटीरियल कैन बी स्टोर्ड इन इनलम पेरेंटा इन ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स एक्सेप्ट तो आपको बताया है कि जाइलम जाइलम फूड स्टोर करता है का पेरेंटाइमा स्टार्च के फॉर्म में करता है फैट के फॉर्म में करता है और कुछ अदर उसको भी स्टोर करता है जैसे टैनिन फूड को नहीं बोलेंगे ना तो टेन आंसर कर सकते हो ऐसे तो नन भी ले लोगे क्योंकि तीनों के बारे में बोला है बट यहां टेन आंसर जाएगा क्यों क्योंकि स्टार्च और फैट फूड स्टोरेज है टेन फूड स्टोरेज नहीं है तो आंसर क्या होगा टेन आंसर क्या होगा टेन आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट स्टेम्स में स्टेम्स में अच्छा प्रोटोसाइलम मेटासाइलम की बात हो रही है तो बेटा जाइलम जो प्राइमरी रूट में कि रूट एक्सार्च शो करती है यानी प्रोटोसाइलम बाहर की तरफ मेटासाइलम अंदर की तरफ वही स्टेम जो है वो एंडार्ज कंडीशन शो करती है एंडार्ज का मतलब हो गया प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ पिथ की तरफ और मेटाजम पेरीफ्री की तरफ ठीक है तो प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ जी हां और मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ इसे एंडार्च कहते हैं बिल्कुल सही बात है यही आपका आंसर है प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ इसे एग्जार्ज नहीं कहते मेटाजाइलम सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ इसको एंडार्च नहीं कहते इसको एंडार्च नहीं कहते सेंटर की तरफ प्रोटोसाइलम पेरीफ्री की तरफ इसे एग्जार्च कहते हैं लेकिन ये रूट में होता है तो आंसर आपके पास आपका ए ही है ये कंडीशन याद रखना बेटा एंडार्च और एग्जार्च वाली एग्जार्च आपको रूट में देखने को मिलता है जिसमें प्रोटोसाइलम बाहर की तरफ होता है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन रूट की बात हो रही है फिर से ठीक है रूट्स के अंदर कौन सी कंडीशन है एग्जार्च एग्जार्च तो एंडार्च वाले ऑप्शन फिर से कट कर दो एग्जार्च आ गया और एग्जार्च में बेटा क्या होता है प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है मेटाजाइलम अंदर की तरफ है तो मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है प्रोटोजाइलम पेरीफ्री की तरफ है आंसर डी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर एक मेच्योर सीव एलिमेंट है एक मेच्योर सीव एलिमेंट है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता बेटा आरपीसी और सीव ट्यूब ई न्यूक्लिएटर होते हैं ई न्यूक्लिएटेड होते हैं ठीक है ठेके? तो इसके अंदर क्या है न्यूक्लियस नहीं है साइटोप्लाज्म पेरीफ्री पर है बिल्कुल सही बात है न्यूक्लियस नहीं है वैक्यूल नहीं है ये गलत बात है बेटा आपके सीव ट्यूब सेल्स में तो कंडक्शन हो रहा है तो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है वहां पर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है वैक्यूल बड़ा सारा है और पेरिफेरल न्यूक्लियस नहीं है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है तो करेक्ट आंसर आपके पास बी होगा एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता ये हो जाएगा इसमें आंसर आगे देखो किसकी बात करें फ्लोयम फाइबर्स की फ्लोयम फाइबर्स किसके बने हैं क्या ये पेरेंट कायमा के, के बने हैं क्या ये कॉलिन काया के बने हैं नहीं ये स्लरिन काया के बने होते हैं ये प्राइमरी फ्लोयम में होते हैं या ये सेकेंडरी फ्लोयम में होते हैं बेटा सारा फ्लोयम ना लिविंग है चाहे सीप ट्यूब है चाहे कंपेनियन सेल्स हैं है ना तो वो आपके पास लिविंग सेल्स होते हैं ठीक है पेरेंट कायमा सेल्स लिविंग होते हैं फाइबर डेड होता है फ्लोएम फाइबर डेड होता है वो प्राइमरी फ्लोएम के पास नहीं होता वो बाद में बनता है ना वो सेकेंडरी फ्लोएम में होता है तो फ्लोएम फाइबर्स आपके पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में ये पेरन और कॉलेन के नहीं स्लेन के बने होते हैं और ये सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं और ये सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं ठीक है रिवाइज हो गया आगे देखो फोर्टी टू इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्लोएम के बारे में करेक्ट है बेटा प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में एक डिफरेंस है कि प्रोटोफ्लोएम में अभी सीफ ट्यूब नैरो है है ना मेटाफ्लोएम में वो थोड़ा बिग हो जाता है बिगर सीव ट्यूब्स होती है तो प्रोटोफ्लोएम में नैरो है मेटाफ्लोएम में नैरो नहीं है प्रोटोफ्लोएम में बिग नहीं है मेटाफ्लोएम में जाकर बिग होता है दोनों प्रोटोफ्लोएम फ्लोयम और मेटाफ्लोएम में बिग नहीं होता प्रोटोफ्लोएम में नैरो सीव ट्यूब्स होती है जो बाद में जाकर बड़ी होती है ठीक है और ये भी आपने देख लिया देखो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम याद रखना बेटा दोनों प्राइमरी फ्लोएम है दोनों प्राइमरी फ्लोयम ही है चाहे आप प्रोटोफ्लोएम की बात करते हो चाहे आप मेटाफ्लोएम की बात करते हो इसमें प्रोटो के अंदर ट्यूब थे बाद में बिग सीव ट्यूब हो जाते हैं लेकिन सेकेंडरी फ्लोयम में फाइबर आते हैं वो डिफरेंस याद रखना सेकेंडरी फ्लोयम में फाइबर आते ये हो गया बच्चे रिवाइज आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी तीन तरीके के आपके पास टिश्यू सिस्टम होते हैं बाहर की तरफ एपिडर्मल अंदर की तरफ वैस्कुलर बीच में ग्राउंड इसको आपने किस बेसिस पर डिवाइड कर रखा है कि लोकेशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है याद रखना हमने फंक्शन नहीं लिया है यहाँ पे मेजरली दो मेन चीजें इनकी लोकेशन क्या है और इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है हम एनाटम देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है आंसर होगा डी बोथ बिगे बोथ बी एंड सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द आउटर लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी सबसे बाहर वाली लेयर को ही आप एपिडर्मिस बोलते हो एपिडर्मिस बोलते हो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम आ गए एपिडर्मिस के ऊपर एक पूरी वैक्स की कोटिंग है जिसे आप बोलते हो क्यूटिकल क्या उसे ट्राइकोम बोलते हो नहीं तो स्टेम के हेयर होते हैं क्या आप उसे एपिब्लेमा बोलते हो नहीं रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोला जाता है क्या ये वैक्सी रूट में एप्सेंट होती है ये बात बिल्कुल सही है ये लेयर बेटा क्यूटिकल की होती है और क्यूटिकल की लेयर रूट में नहीं है क्यों क्योंकि क्यूटिकल का, का काम होता है आपका वाटर का लॉस कम करना रूट में आपको वाटर का लॉस कम करना नहीं है ठीक है क्या यह क्यूटिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करेगी नहीं उसमें स्टोमेटा मदद करता है तो आंसर क्या होगा सी क्योंकि क्यूटिकल रूट्स में नहीं होती है वैक्सी कोटिंग रूट में नहीं होती आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर फोर्टी स्टेटमेंट्स आपको रीड करने एपिडर्मल सेल्स पेरेंट होती है होती है एपिडर्मल दो लेयर होती है नहीं सिंगल लेयर होती है एकदम पतली सिंगल लेयर होती है स्टोमैटा आर यूजली प्रेजेंट इन एपिडिस ऑफ स्टेम स्टोमैटा आर यूजली प्रेजेंट इन एपिडामिस ऑफ लीव स्टेम में इतना स्टोमेटा नहीं है जितना लीव में है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट गलत है गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा के बाहर होते हैं इनकी आउटर वोल थिक है इनर वोल थिन यह गलत है बेटा आउटर वोल थिंन होती है इनर वोल थिक होती है होती दोनों इलास्टिक है बट इनर वाली थिक होती है आउटर वाली थिन होती है ठीक है जो सब्सिडेरी सेल्स हैं हैं वो एपिडर्मल सेल्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो गार्ड सेल्स के बाहर कुछ एपिडर्मल से हैं, वही होकर, होकर सेल्स हैं मॉडिफाई होकर बताना कितने स्टेटमेंट इन है कितने स्टेटमेंट इन करेक्ट है One, two, तीन स्टेटमेंट इन करेक्ट है आगे देखो फोर्टी स्टोमैटल स्टोमेटेटिस में सिर्फ अपर्चर आता है नहीं

रूट में तो यहां पर जो है आप मोस्ट करेक्ट सी ले सकते हो बेटा यहां पर जो है आप मोस्ट करेक्ट सी ले सकते हो ठीक है वैसे तो अपेंडिजेस बाहर आ रही है बट हां सबसे उसकी मॉडिफिकेशन है तो आंसर सी हो जाएगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ट्राईकोम्स क्या है ट्राइकोम्स क्या है स्टेम पर प्रेजेंट होने वाले हेयर है ठीक है तो ये रूट में है रूट में है नहीं स्टेम में है स्टेम में है ये मल्टी सेल्युलर होते हैं या ये यूनिसेल्यूलर होते हैं बेटा ये मल्टी सेल्युलर होते हैं

एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आएगा और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा बीच में बचे हुए सारे ग्राउंड टिश्यू हैं जिसमें कॉर्टेक्स भी आ गया जिसमें पिथ भी आ गया और जिसमें पेरिसाइकिल भी आ गया आंसर डी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर लीव्स पर अब हम आ गए लीव्स में मीजोफिल होते हैं मीजोफिल क्या बनाते हैं लीव्स का ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं बेटा ग्राउंड टिश्यू मीजोफिल का बना होता है जो डाइकोट में दो अलग अलग तरीके के हैं पहली से जो स्पंजी और मोनोकोट में सब एक तरीके के दिखाई देते हैं तो आंसर क्या होगा बी आंसर क्या होगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू आप किसकी बात कर रहे हो डाइकोट की स्टेम की कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होगी केम्बियम की बात करें डाइकोट की स्टेम बेटा हमने पढ़ा है हमने डायग्राम में भी इसको कई बार देखा है कौन ज्वाइंट होता है क्योंकि स्टेम की बात कर रहे हैं रूट की नहीं तो रेडियल नहीं है कौन ज्वाइंट है को है ऊपर से डाइकोट है तो ओपन भी होगा बीच में कैम्बियम भी होगा तो कैम्बियम एब्सेंट है इसको हटा दो क्योंकि कैंबियम होगा कैम्बियम प्रेजेंट है कैम्बियम जाइलम और फ्लोयम के बीच में है क्या इसे क्लोज टाइप बोलेंगे नहीं बेटा ये ओपन टाइप का होता है तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ओपन टाइप का है ये ओपन टाइप का है कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बाहर है नहीं उनके बीच में होता है इसे फेसिकुलर वेस्क्यूलर कैम्बियम या इंट्रा वेस्क्यूलर कैम्बियम बोलते हैं जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिखता है कॉनिकल मासस में यहाँ जाइलम है यहाँ फ्लोएम है बीच में कैम्बियम है कॉन्जॉइंट कोलेट्रोल और ओपन आंसर क्या होगा डी आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री मोनोकोट में क्लोज टाइप का वेस्क्यूलर बंडल होगा अगर मोनोकोट की स्टेम की बात कर रहे हैं तो जी हाँ क्योंकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकोट्स डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल सही बात है मोनोकोट्स डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है बेटा मोनोकोट्स अच्छा मोनोकोट्स के पास वेस्क्युलर बंडल क्लोज टाइप का होता है क्यों क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं उल्टा लिखा हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते, इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उनका वैस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का होता है बट ये, 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 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आंसर बी हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर यहां पर देखो आपको फिर से क्या दिखाया हुआ है बाहर की तरफ फ्लोयम अंदर की तरफ जाइलम बीच में कैम्बियम है नहीं तो ये क्लोज टाइप का है बीच में कैम्बियम है नहीं तो ये क्लोज टाइप का है, ए, है नहीं, ए फ्लोयम है जी हाँ तो यहाँ पर तो ये किसकी स्टेम है बेटा ये मोनोकोड की स्टेम है ये मोनोकोड की स्टेम है स्टेम में आपको एग्जार्ज टाइप देखने को मिलता है या एंडार्ज टाइप देखने को मिलता है आपको एंडार्ज टाइप देखने को मिलता है तो प्राइमरी जाइलम इसमें एंडार्ज टाइप का होगा जी हाँ प्राइमरी प्राइमरी इन फिगर या जाइलम लिखना चाहिए था वो टाइप का होगा नहीं नहीं क्योंकि ये ये स्टेम है है रूट करेक्ट कौन कौन सा है टू और थ्री तो आंसर क्या होगा सी करेक्ट कौन कौन सा है टू और आंसर क्या होगा सी आगे 55. अब ये देखो बाहर की तरफ अंदर की तरफ बीच में कैम्बियम यानी ओपन टाइप है ओपन टाइप है मतलब ये डाइकोट है मोनोकोट नहीं है और डाइकोट की ये है, रूट नहीं है ठीक है रूट नहीं है रूट वाले ऑप्शन कट कर दो डाइकोट है इसलिए ग्रास कट कर दो आंसर आंसर ए ए हो 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 जाएगा क्या हो जाएगा हो जाएगा क्या आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अंडरस्टैंड द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव बेटर इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी अगर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर स्टडी करना है रूट का स्टेम का लीव का तो आपको क्या स्टडी करना चाहिए टीएस कट कर कर उसको स्टडी करना चाहिए एल नहीं और टीएस आपको किसका देखना चाहिए यंग जोन का या मेच्योर जो मेच्योर तभी सारे सेल्स अच्छे से बन चुके होंगे और आपको प्रॉपरली हर एक सेल दिखाई देगा तो स्टडी के लिए आपको टीएस देखना चाहिए वो भी मेच्योर का टीएस देखना चाहिए वो भी मेच्योर जो का आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है सेल्स का फ्रॉम आउट साइड टू इन साइड इन अन फ्लावर रूट यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछ रहे हैं एक डाइकोट की रूट क्या पूछ रहे हैं आपसे डाइकोट की रूट

एंडोडर्मिस एंडोडर्मिसक्स से पहले नहीं होगा कॉटेक्स है एंडोडर्मिस है एंडोडर्मिस के नीचे है आंसर आंसर बी बी होगा होगा ये बात हमको पता होनी चाहिए रूट है तो हाइपोडर्मिस होता नहीं है लेकिन कॉटेक्स है कॉटेक्स के नीचे एंडोडर्मिस है जिसमें सुबेरिन की लेयर है उसके नीचे पेरीसाइकिल होता है थिक वॉल का बना हुआ है ना थिक पेरिन कईमेट वॉल का बना हुआ है तो आंसर बी आएगा आंसर आपके पास बी आएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट सुबेरिन सुबेरिन का डिपोजिशन कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है और ये कहाँ होता है एंडोडर्मल में लिखती है, एंडो सेल्स के भी, रेडियल भी दोनों में लेकिन किसकी सेल्स की? तो वैसे याद रखना बेटा चाहे टेंजेंशियल वॉल हो चाहे रेडियल वॉल हो दोनों में प्रेजेंट है मतलब अगर इस तरीके से ये सेल है तो सुबेरिन का डिपोजिशन यहां पर भी है और यहां पर भी है दोनों जगह दोनों जगह ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे क्वेश्चन कैस्पेरियन स्ट्रिप में कौन सा सब्सटेंस तो याद करो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में हमने पढ़ा था, जब एंडोडर्मिस आती है, वो चेक पॉइंट है वहां पर एपोप्लास्ट पॉसिबल नहीं है वो सिम्प्लास्ट ही करना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो वॉटर है सुबेरिन की बनी हुई आंसर होगा डी दोनों चैप्टर का रिविजन एक साथ हो जाता है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट इन डाइकोट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और किस में बात कर रहे हैं डायकोट की रूट में बात कर रहे हैं तो आपसे बोल रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन कहाँ पर शुरू होता है तो रेडियल है तो, है. है तो कन्वर्ट के के होते हैं केमियम बनाते हैं ताकि आगे से डिविजन हो सके सेकेंडरी ग्रोथ हो सके और वो किसके सेल्स होते हैं याद रखना थिक वर्ल्ड पेरेंकामेटर सेल्स होते हैं पेरीसाइकिल के जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ थिक वर्ल्ड पेरेंकामेटर सेल्स होते हैं पेरीसाइकिल के यहीं पर लेटरल ग्रोथ यहीं पर लेटरल रूट डायकोट uh, की सेकेंडरी ग्रोथ बनना शुरुआत होती है बी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है डाइकोट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है कहां से अभी मैंने आपको बताया पेरीसाइकिल और डाइकोट रूट की पेरीसाइकिल थिक वोल्ड पेरेंटाइमेटर्स ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा कि एक अलग से क्वेश्चन बना क्योंकि पेरेंटाइमेट जनरली थिक वोल्ड होता नहीं है बात ये है कि पेरेंट कायमा जहां पर भी है चाहे एपिडमिस पेरेंट कायमा का बना है चाहे कॉर्टेक्स में पेरेंट कायमा है वो थिन वॉल्ड होता है लेकिन पेरिसाइकल साइकिल जहां से वेस्कुलर कैम्बियम आपका सेकेंडरी ग्रोथ करेगा रूट्स में डाइकोट की रूट्स में वो थिक वोल्ड पेरेंट कैमिटेस है तो आंसर डी होगा इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इनमें से कौन सा ट्रू है किसके बारे में ये नहीं लिख रहा क्वेश्चन पूरा नहीं है बट आप देख लो वैसे हम पेरीसाइकिल की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पेरीसाइकिल के बारे में है पेरीसाइकिल कैसा है है और ये फ्लोयम के बाहर है बेटा रूट डाइकोट के रूट की बात कर रहे हो तो अब देखो वैसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है पर आपके पास जब आएगा लिखा होगा कि ठीक है आप पेरीसाइकिल की बात करो या डाइकोट रूट की बात करो आपको क्वेश्चन मिलेगा अब ये पेरीसाइकिल सेल्स जहां से आपका सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगा है ना वो कॉलिन कायमा के तो नहीं बने हुए पेरेन कायमा के बने हुए क्या वो फ्लोयम के बाहर है क्या वो एंडोडर्मिस के बाहर है एंडोडर्मिस के बाहर तो वैसे भी नहीं होते जाइलम और फ्लोयम के बीच में है जाइलम और फ्लोयम के बीच में है रेडियली प्रेजेंट है ना बट जाइलम और फ्लोयम तो उनके बीच के सेल्स कुछ वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करते हैं वहां से उनकी सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है तो कुछ सेल्स पेरेनकाइमेटिस के जो जाइलम और फ्लोयम के बीच में है जो जाइलम और फ्लोयम के बीच में है वो ये ग्रोथ करेंगे अब ये पेरीसाइकिल की तो एक्टली exactly बात हो नहीं रही क्योंकि पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे है जस्ट और फिर यहां पर आपको जाइलम और फ्लोयम देखने को मिलता है तो पेरीसाइकिल की अगर मैं बात करूं वो तो वैसे आपके फ्लोयम बंडल से नीचे और जाइलम के ऊपर है।, है ना तो ये एक्चुअली शायद कंजक्टिव देखो हम क्वेश्चन खुद गेस कर रहे हैं तो वैसे तो इसको छोड़ दो पर ये कंजक्टिव टिश्यू होता है कंजक्टिव टिश्यू हो सकता है वो कुछ सेल्स जो पैरम कैमा के बने जाइलम टोयम के बीच में है वो कंजक्टिव टिश्यू हो सकते हैं कंजक्टिव टिश्यू हो सकते हैं ठीक है उसी की बात कर रहे होंगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है डाइकोड की रूट में बिल्कुल होता है एंडोडर्मिस कैसा है डाइकोट की रूट में एकदम बैरल शेप्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है एंडोडर्मिस की रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना सिंगल लेयर बैरल शेप होते हैं दो लेयर नहीं होती दो लेयर नहीं होती सिंगल लेयर होते हैं और कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता एकदम पास पास कोई इंटरसेल्युलर स्पेस इसके अंदर नहीं होता आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा डी आगे देखो सिक्सटी फोर डाइकोट की रूट की ही बात करे अभी आप कॉर्टेक्स की बात करो कॉर्टेक्स सिंगल लेयर नहीं होता मल्टीपल लेयर होता है हम सबको पता है उसमें जो पेरन है वो थिन वॉल्ड है यही तो खास बात है बेटा कॉर्टेक्स की भी का है का है सिर्फ होता आंसर बी हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा आगे देखो की सबसे अंदर वाली लेयर जो डाइकोट की रूट में है सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस है हाइपोडर्मिस होता नहीं है सबसे अंदर की तरफ कॉटेक्स में एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा जिसके नीचे फिर पेरीसाइकिल होगा और वेस्कुलर बंडल स्टार्ट हो जाएगा आंसर होगा सी आगे देखो सिक्सटी सिक्स सेल्स आर जनरली थिन थोल्ड जनरली थिन वोल्ट होते हैं लेकिन अगर आपको थिक मिल रहे हैं डायकोट के रूट में मतलब आपका पेरी साइकिल दिख रहे हैं पेरी में ये थिक ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए स्टील की बात हो रही है स्टील आप किसको कहते हो बेटा स्टील आप किसको कहते हो एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ आ रहा है ना वो सब स्टील है तो आप खुद एंडोडर्मिस को तो इंक्लूड इसके अंदर करोगे नहीं क्योंकि स्टील क्या है एवरीथिंग इनसाइड एंडोडर्मिस एवरी थिंग इन साइड एंड्रोडमिस तो एंड्रोडमिस के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो स्टील है अब स्टील में क्या कुछ आ जाएगा पेरिसाइक वेस्कुलरबंडल पिथ बिल्कुल तो एंड्रोडमिस को छोड़ के बाकी सब जो उसके अंदर आ रहा है वो यहां पर आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा सी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट डायग्राम टीएस है आप कैसे पहचानोगे कौन सा डाइकोट है कौन सा मोनोकोट है तो जो ये आपके पास वेस्क्यूलर बंडल आपको दिखाई दे रहा है जाइलम और फ्लोयम का इनका नंबर कम होता है डाइकोट में और इनका नंबर सिक्स या सिक्स से ज्यादा होता है मोनोकोट में मोनोकोट में आपको पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलती है दूसरा डायकोट में जो पिथ है वो है, छोटी है। लेकिन यहाँ पर मोनोकोट तो तो का टीएस है आंसर टी ए हो जाएगा आंसर आपके पास ए हो जाएगा आगे देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल ऑफ मोनोकोट रूट टीएस अब टीएस दे नहीं रखा तो आप इसको कैसे मार्क करोगे जब टीएस दे ही नहीं रखा तो आप इसको कैसे मार्क करोगे आ, अच्छा और इसके अंदर ये दोनों ऑप्शंस भी एक, सारी ऑप्शंस इनफैक्ट एकदम एकदम सेम है <laughs> ये तो सारी ही लिखा हुआ है और ऐसा ही होता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो इस क्वेश्चन को छोड़ दो फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटी अब आप मोनोकोट की रूट देख रहे हो तो जाइलम बंडल्स कैसे होते हैं मोनोकोट की रूट में सिक्स से ज्यादा होते हैं इसलिए उनको पोलियर्ज कंडीशन देखते हैं डायकोट के कंपैरिजन में कम है नहीं ज्यादा है सिक्स से कम है नहीं ज्यादा है सिक्स से ज्यादा है इसीलिए कंडीशन बोलते हैं सी सी हो हो जाएगा जाएगा आंसर आगे देखो क्वेश्चन नंबर मोनोकोट की रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किससे होती है मोनोकोट में कभी सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं आंसर डी हो जाएगा मोनोकोट्स में तो कभी सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं आंसर डी हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू डाइकोट की स्टेम अब रूट हो गया डाइकोट का रूट हो गया मोनोकोट का रूट हो गया डाइकोट का एपिडर्मिस स्टेम स्टेम में stem में उसको एपिप्लेमा बोलोगे नहीं स्टेम में क्या उसके पास स्टोमेटा नहीं होंगे कभी कभी हो सकते हैं ऐसा नहीं है स्टोमेटा नहीं होंगे स्टेम में भी आपको स्टोमेटा मिल सकते हैं क्या आपको डाइकोट के स्टेम में क्यूटिकल की थिन लेयर देखने को मिलती है मिलती है क्या ट्राइकोम मिल सकते हैं ट्राइकोम भी मिल सकता है तो लैक ट्राइकोम नहीं होगा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा

अब ये स्टेम है तो हाइपोडर्मिस मिल सकती है बीच में कॉर्टिकल सेल्स की लेयर होती है और अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती है ये तीनों जो लेयर हैं ये कॉटेक्स की बताई हुई है तो कॉटेक्स बेटा किस किस के बीच में है? इनके बाहर एपिडर्मिस और इसके अंदर पेरीसाइकिल इसके अंदर लेयर है पेरीसाइकिल की तो एनसीईआरटी लिखती है बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल अब वो ऑप्शन ही नहीं है तो आप नेक्स्ट बेस्ट क्या मार्क कर दोगे एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस एंडोडामिस एंड पेरिसाइकल नहीं ये तो कॉर्टेक्स नहीं है ना पेरिसाइकल एंड पिथ नहीं उसके बीच में तो वेस्क्यूलर बंडल आ रहा है एंडोडामिस और पिथ नहीं कॉर्टेक्स तो ये सारे सेल्स है ना तो आंसर मोस्ट करेक्ट ए हो जाएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर डायकोट के हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है वो कॉलेन कायमा का बना होता है वहीं याद रखना मोनोकोट की स्टेम में जो हाइपोडर्मिस मिलता है वो स्लरन कायमा का बना होता है क्यों क्योंकि मोनोकोट में कॉलन होता नहीं मोनोकोट में कॉलन कायमा होता नहीं आंसर क्या होगा बी आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव

रो इंटरसेलुलर स्पेस था सेल बहुत पास पास थे ये डिफरेंस है लेकिन वही आप डाइकोड के स्टेम में आए तो वहां कॉर्टेक्स में जो आपको स्पेसेस मिल रहे हैं वो अच्छे खासे देखने लायक मिल रहे हैं कॉन्सपीक्स इंटरसेल्युलर स्पेसेस आपको डायकोड के स्टेम में देखने को मिलते हैं ठीक है रूट में आपको स्पेस देखने को नहीं मिल रहा था आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन डाइकोड की स्टेम में पेरीसाइकिल की बात हो रही है पेरीसाइकिल कहां मिलता है एंडोडर्मिस के भी अंदर डायकोट के स्टेम का जो पेरी साइकिल होता है वो सेमी ल्यूनर पैच है और वो स्लेरिन कायमा का बना हुआ है याद रखना बेटा उनके अंदर जो पेरी साइकिल है वो स्लेरिन कायमा का बना हुआ है किसका बना हुआ है स्लेरिन कायमा का बना हुआ है आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78 78 में मेड्यूलरी रेस की बात की गई है मेड्यूलरी रेज आपको कहाँ मिलती है डायकोट की स्टेम में मिलती है स्टेम में देखने को मिलती है ये रेडियली होती है एक्सियली नहीं होती ये जाइलम फ्लोएम के बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है और ये पेरेनकाइमा की बनी होती है तो ये रेडियली प्लेस्ड पेरनकाइमेटर सेल्स है ये रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमेटर सेल्स है जो बाद में यहां पर क्या सेकेंडरी मेड्युलरी रेस बनाएंगी केम्बियल रिंग कंप्लीट करेंगी अगर ये मेरिस्टमेटिक सेल्स में डिडिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इंटरवेस्क्युलर कैम्बियम बनाएंगे है ना आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन मेड्युलरी रेस कहां पर है एंडोडर्मिस के ऊपर नहीं नीचे है एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में नहीं पेरीसाइकिल के तो बाद है पेरीसाइकिल और कॉटेक्स के बीच में बिल्कुल नहीं कॉटेक्स तो ऊपर रह गया वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में कहां पर है मेडुलरी रेस वेस्क्यूलर बंडल के बीच में सनफ्लावर की स्टेम यानी किसकी बात कर रहे हैं डाइकोट की स्टेम किसकी बात कर रहे हैं डाइकोट की स्टेम डाइकोट की स्टेम में वेस्क्यूलर बंडल कैसा होगा रेडियल तो नहीं होगा कॉन्जॉइंट है और क्लोज भी नहीं है ओपन है, अच्छा, है, है? है, तो है, 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 है तो रेडियल नहीं हो सकता स्टेम में भी है तो ओपन होगा ओपन है उसके बाद ये स्टेम है रूट नहीं है तो एंडार्च कंडीशन होगी एग्जार्च नहीं आंसर डी जाएगा तो ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर एटी वन इनमें से कौन सा पिथ ऑफ डाइकोट स्टेम के बारे में इनकरेक्ट है पिथ के बीच में आपको अच्छा पिथ क्या है पिथ क्या है सेंट्रल पोर्शन है एकदम स्टेम का पेरेन का एमेटिस सेल्स का बिल्कुल बना होता है इसके बीच में स्पेस है बेटा इसके बीच में स्पेस है इसके बीच में इन्होंने बोला है कोई स्पेस नहीं है ये बात गलत है एक जगह इन्होंने बोला लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस है ये बात करेक्ट है लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस बोला है ये बात करेक्ट है देखो बेटा याद रखना आपके पेरेनकाइमेटिक सेल्स कॉर्टेक्स में भी होते हैं पेरेन्मेटिक सेल्स पिथ में भी होते हैं पेरेंकामेटिक सेल्स कॉर्टेक्स में भी होते हैं पिथ में भी होते हैं पिथ में जो आपके कॉर्टेक्स uh, में जो पेरेन्मेटिक सेल्स हैं इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं ठीक है इसमें आपके पास इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं और पिथ के पास जो पेरेनकाइमेट सेल्स हैं इसमें भी इंटरसेल्युलर स्पेस है अगर मैं डायकोट के स्टेम की बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर एटी टू ये आपको किसका डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे ये आपके पास डायकोट की स्टेम है ये किसका डायग्राम दिख रहा है आपको डायकोट की स्टेम है अब इस डाइकोट की स्टेम के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है ये आपके पास सेमिल्यूनर पैच स्लेरमा का बना हुआ ये आपका पेरीसाइकिल है पेरीसाइकिल के नीचे जस्ट आपको ये फ्लोयम दिख रहा है यहां पर ही में दिख रहा है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो ये प्रोटोजाइलम होगा और ये बाहर की तरफ मेटाजाइलम होगा है ना तो ये जो आपके पास होगा ये कौन सा जाइलम होगा मेटाजाइलम होगा और जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम होगा कैम्बियम होगा अब देख लो जरा मार्किंग देख लो करेक्ट मार्किंग क्या होगी आपके पास वन फ्लोयम है टू प्रोटोस है थ्री है, फोर कैम आंसर बी होगा आंसर आपके पास बी होगा ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एटी थ्री क्या कह रहे हैं क्वेश्चन एटी थ्री हमको आपको एंडोडर्मिस पहचान में ये फिर से आपके पास क्या है बेटा एक डाइकोट की स्टेम है क्योंकि रिंग की फॉर्म में वेस्क्यूलर बंडल है तो डाइकोट की स्टेम है और आपको इस डाइकोट की स्टेम में एंडोडर्मिस है तो, तो हेयर है आपको पता है यहां पर अगर आप लेबलिंग देखोगे, तो आपको ये दो लेयर्स दिख रही है ये बंडलेस के दो लेयर्स हैं वो दो लेयर्स क्या हो सकती है एक पेरीसाइकिल की होगी दूसरी एंडोडर्मिस की होगी है ना एक पेरीसाइकिल की होगी दूसरी एंडोडर्मिस की होगी तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बाहर की तरफ आपको एंडोडर्मिस दिख जाएगी ठीक है ये बाहर की तरफ आपको एंडोडर्मिस दिख जाएगी इसमें ये जो अंदर की तरफ है ना जो मार्किंग यहाँ पर नहीं की हुई है अंदर की तरफ ये वाला कट किया हुआ है ये होता तो आपके पास पेरी होता यहाँ पर शायद दिखाया हुआ है यह यहाँ पर शायद दिखाया हुआ है, है ये जो है आपके पास ये पेरी है ये जो है आपके पास ये पेरी है ये पेरी है और इसके अंदर आपको बंडल्स दिख रहे हैं जो लेबलिंग इन्होंने यहाँ पर हटाई हुई है ये आपके पास बंडल है और सेंटर में पिथ होती है सेंटर में पित होती है तो इस डायकोट के स्टेम में एंडोडर्मिस कहा है थ्री यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर क्या हो जाएगा डी आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर एटी फोर ग्रास यानी कि मोनोकोट मोनोकोट किस स्टेम में हाइपोडर्मिस बनाना है डायकोट किस स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलन कायमा का बना होता है पर मोनोकोट में तो कॉलन कायमा होता नहीं तो हाइपोडर्मिस स्लेरिन कायमा का बना होता है मोनोकोट की स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो कॉलेन कायमा का बना होता है मोनोकोट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल के बाहर जो बंडल शीत होती है वो भी स्लेरिन कायमा की बनी होती है मोनोकोट में जो ग्राउंड टिश्यू है मेजरली वो पेरिन कायमा का बना हुआ है वो पेरेन कायमा का बना हुआ है तो यहाँ पे देखो वन का टू नहीं है थ्री है ये गलत हो जाएगा फोर का वन है थ्री का वन नहीं है गलत हो जाएगा थ्री का थ्री है वन का थ्री हो हो बंडल होते हैं सेंट्रल वंस के कंपैरिजन में जी हाँ सेंट्रल वेस्क्यूलर बंडल स्मॉल होता है नहीं दोनों सेम साइज होते हैं नहीं एक तो स्कैटर्ड वेस्क्यूलर बंडल होता है जिसमें बाहर वाले छोटे होते हैं सेंट्रल के कंपेरिजन में आंसर होगा ए आंसर होगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86 इमा इज एबसेंट इन जहां पर जाइलम परम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताया है कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताया है वहीं आपको बताया है कि जो फ्लोयम पेरेनकाइमा होता है वो मोनोकोट्स में नहीं होता मोनोकोट्स के पास फ्लोयम का पेरेन कायमा नहीं होता नहीं होता आगे देखो क्वेश्चन नंबर एटी है ना जो फ्लोयम फाइबर्स होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोयम के टाइम बनते हैं जो प्रोटोजा प्रोटोफ्लोयम प्रोटो और मेटाफ्लोयम में ये डिफरेंस है कि मेटाफ्लोयम में वो थोड़ा बिगर साइज का हो जाएगा आपके पास जो सीव ट्यूब सेल्स हैं और एक और चीज अभी आपने देखी फ्लोयम पेरिनका मोनोकोट के पास नहीं होता अब ये देखो ये स्ट्रक्चर आपको किसका दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये मोनोकोट की स्टेम है क्यों क्योंकि ये देखो स्कैटर्ड वेस्क्युलर बंडल आपको देखने को मिल रहा है जिसमें जाइलम है जिसमें फ्लोयम है बट ये स्कैटर्ड है स्कैटर्ड वेस्क्युलर बंडल आपको देखने को मिल रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकोट की स्टेम का आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एटी एट आपको स्टेटमेंट देखना है और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कितने करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है डाइकोट की लीफ में क्यूटिकल नहीं होता ऐसा तो नहीं है एडेक्शल साइड पे एपिडर्मिस की स्टोमेटा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अबेक्शल साइड गलत बेटा डोरसल साइड पे कम होते हैं वेंट्रल साइड पे ज्यादा होते हैं तो उल्टा लिखा हुआ है अबेक्शल साइड पे ज्यादा होते हैं एडेक्शल पे नहीं

तो करेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा ए आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन आपको स्टेटमेंट्स देखने और बताना है वैस्कुलर बंडल का जो साइज होता है लीफ में वो वेन्स के साइज पे डिपेंड करता है बिल्कुल करता है जो लीफ में वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके बाहर स्लरन कैमा की बनी हुई बंडल शीत होती है बिल्कुल होती है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा आंसर सी होगा आंसर सी होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू आपको ये दोनों लीफ दिखाई दे रही है दोनों लीफ है ये स्टेम नहीं है दोनों लीफ है क्योंकि दोनों तरफ एपिडर्मिस है तो ये स्टेम नहीं हो सकती ये लीफ है अब स्टेम वाले आप आप कट कर दोगे लीफ के अंदर अगर आप देखोगे बेटा पर आपको दो तरीके के टिश्यू मिल रहे हैं और स्पंजी ये की लीफ है लेकिन ऊपर नीचे से दोनों एक जैसी आइसोपाइलेट्रल ये मोनोकॉट की लीफ है ये मोनोकॉट की लीफ है तो वन मोनोकॉट की लीफ तो -मो है और दूसरी आपके पास डाइकोट की लीफ है आंसर डी होगा आंसर डी होगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री इनमें से कौन सा लीफ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है क्या सब एनजी के पास लीफ होती है नहीं लीफ मोनोकोट्स में होती है और में मोनो में मोनोकोट्स होते हैं तो डाइकोट्स भी होते हैं अच्छा दो डिफरेंट टाइप के मीजोफिल होते हैं लीफ में नहीं सारे सेम होते हैं दो अलग अलग नहीं होते स्टोमेटा यहाँ पर आपको दोनों सर्फेस पे मिलेगा जी हाँ जी हाँ स्टोमेटा के अच्छा के दोनों सर्फेस पे नहीं होता बेटा एपिडर्मिस के एपिडर्मिस के दोनों सर्फेस पर स्टोमेटा होता है लीफ में इसलिए इसको लीफ बोलते हैं क्या यहाँ है, पे वेस्कुलर बंडल सेम साइज के होते हैं बिल्कुल क्योंकि पैरेलल वेनेशन है ना सारी बेन सेम है तो वेस्कुलर बंडल भी सेम है तो इन करेक्ट क्या हो जाएगा बी अच्छा आपको करेक्ट बताना है ना आपको करेक्ट बताना लीफ के बारे में ये भी इनकरेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है और आपके पास आंसर होगा बेटा डी डी सब एनजाम में नहीं होता दो अलग अलग मीजोफिल नहीं मिलते स्टोमेटा आपको दोनों सरफेस ऑफ मीजोफिल पे नहीं मिलता करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा डी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा डी आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में ये सेल्स मोनोपोर्ट में मिलते हैं ये सेल्स अपेक्शुअल सर्फिस पर होते हैं नहीं अडेक्शुअल सर्फिस पर होते हैं ये एम्प्टी सेल्स हैं ये अगर फ्लैसिड होंगे तो लीफ अंदर की तरफ कर्ल कर जाएगी ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं सारी बातें सही है, यही कर हैं यही स्टेटमेंट करे थे क्योंकि अब अबैक्शल सर्फिस पे नहीं बेटा ऊपर की तरफ डोरसल साइड यानी कि adaxial surface पर होते हैं ये adaxial surface पर होते हैं आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर नाइनटी ये क्या है आपके पास ये एक मोनोकोट की लीफ है आपके पास ये एक मोनोकोट की लीफ है आपके पास यहाँ पर ये होता है आपका अडेक्शियल सर्फिस ये तरफ होती है आपकी अबैक्शियल सर्फिस इस वेस्क्यूलर बंडल में ये आपके पास जाइलम है और ये बेटा आपके पास फ्लोयम है तो जरा मार्क कर लो वन है टू अबैक्शियल टू अबैक्शियल है थ्री फ्लोयम है, है और फोर जाइलम है थ्री थ्री फ्लोयम है और फोर जाइलम है आंसर सी होगा आंसर सी होगा तो एनाटॉमी कंप्लीट कमेंट सेक्शन में लिख देना एनाटमी कंप्लीट कमेंट सेक्शन में लिख देना इसी तरीके से रिवाइज करते रहो सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कर, कर पूरी बायोलॉजी चीट शीट कंप्लीट हो जाएगी और आप खुद कि आपका कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हो गया मेरे साथ अगर आप सॉल्व करते हो बेटा तो मेरे लिए यही यही हिदायत है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि प्लीज ऑनेस्टली सॉल्व करो कहीं से आंसर्स ढूंढो मत ऑलरेडी देखो मत खुद से सॉल्व करो और जो गलती हो रही है ऑनेस्ट गलती हो रही है उसको जाकर रिवाइज करो मिस्टेक नोटबुक में लिखो उसको जाकर रिवाइज करो तभी आपको एक्चुअल इसका फायदा होगा वरना कोई फायदा नहीं होगा है ना तो मार्क्स बता देना कमेंट सेक्शन में और अनाटमी कंप्लीट जरूर लिख देना अगले लेक्चर में, में मिलेंगे एक और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे